व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी के सफ़र में। तो गाइस, इस बार थोड़ा ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पा रहा था। मैं इस टाइम तो घर पे हूँ, मैं चला गया था, अभी राजस्थान गया था। तो वहाँ पे राजस्थान में मैंने वीडियो डू तो कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मैं कुछ काम से गया था। तो जिस काम से गया था तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लोकेशन रहा, तो मैं वहाँ की वीडियो थोड़ा बहुत बनाया हूँ। तो एडिटिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इसलिए एडिटिंग नहीं किया। तो मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, तो इस बार थोड़ा वीडियो लेट आ रही है। फिलहाल वीडियो एडिटिंग करना है तो एडिट करके आपको दिखाता हूँ। भाई बहुत अच्छा लोकेशन था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भाई। वो होटल से है, मतलब मैं जहाँ गया था वो एक होटल था, लेकिन होटल क्या था, वो एक राजमहल था। नाम था उसका होटल, उस होटल का नाम था नाहरगढ़, लेकिन वो नाहरगढ़ था, लेकिन वो नाहरगढ़ का वो होटल नहीं, एक राजमहल था भाई। राजाओं का महल, एकदम राजमहल जैसा था भाई, बहुत ज़बरदस्त था यार, मानना पड़ेगा भाई। मैं ऐसी जगह जा के आया तो बहुत ही अच्छा था। आइए आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको मालूम चलेगा क्या वाकई में यार है जो मैं बोला हूँ वो है, एकदम राजमहल जैसा है यार। मैं इसको क्या बोलूँ यार, काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त था। तो अभी मैं घर पे आ गया हूँ, तो घर पे यहाँ पे कुछ वीडियो शूट नहीं कर पा रहा। तो इस संडे मैंने वीडियो अपलोड भी नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, टाइम ही नहीं मिला था मुझे, इसलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर हूँ, तो मैं सोचा लाओ वीडियो वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा जा रहा था एडिटिंग करने। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे अच्छा लोकेशन था, तो आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो वीडियो में, तो देखो आपको देख के खुद मालूम चलेगा यहाँ क्या अच्छा सीन है यार। वहाँ पे शादी वादी बुकिंग होती है भाई, मुझे तो नहीं लगता नॉर्मल लोगों के लिए वो ठीक है। वो भाई करोड़ों के लिए, करोड़ों वाले वहाँ पे शादी के लिए की बुकिंग करते हैं भाई, करोड़ों रुपए की बुकिंग होती है वहाँ पे। तो भाई हम जैसे लोग के लिए वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आइए आप वीडियो देखो, फिर वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कैसा रहेगा, आप देखो देखो भी, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको वहाँ के बारे में। गाइस आप देख रहे हो ना, बैकग्राउंड कितना मस्त लग रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त। इन पीछे देखो पानी भी है भाई, बहुत मस्त लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी मैं सोचा नहीं था सपने में, तो हम पीछे का सीन दिखा रहे हैं अभी, फ्रंट का सीन तो दिखाया नहीं यहाँ पे। फ्रंट का सीन तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत बड़े बड़े गेट, एकदम राजाओं महाराजाओं के जैसे गेट भी है। तो हम बैक का मतलब पीछे साइड का दिखा रहे हैं सीन, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है पीछे साइड का, ये अंदर का सीन है, देख रहे हो। तो चलो अभी हम जा रहे हैं लंच करने जा रहे हैं, उसके बाद भाई यहाँ की वीडियो आपको पूरी कंप्लीट दिखाऊंगा। आप वीडियो स्किप ना करिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वीडियो है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। देख रहे हो सब बंदे अपने बैठा हुआ है, पीछे खड़ा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच पे, सारे लोग लंच पे जा रहे हैं। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ज़बरदस्त प्लेस है यार। एक इस पे से लो ना मम्मा। ये अपना गार्डन आ गए, गार्डन क्या है, यही तो पूरा इवेंट का स्टेज लगा है। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे आए हैं हम। सबसे पहले बड़ी हवेली है भाई, हमारे टीम में लगभग 8 लोग हैं। तो अभी तुम्हारा नाम क्या है भाई? आसिफ। भाई का नाम आसिफ है। तो अभी हम लोग 8 लोग हैं, तो मैं हूँ सलमान और 2-4-5 लोग हैं, टोटल 8 लोग हैं। तो अभी हम जा रहे हैं भाई लंच में, लंच करने जा रहे हैं। उससे पहले आपको कुछ नज़ारा दिखाना चाहते हैं हम। नज़ारा यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बैकग्राउंड भाई बहुत ज़बरदस्त है। कई जमाने पहले का ये राजमहल था और आज इसमें हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। तो लेट्स सी नाउ, बैक कैमरा।
डाक बाग। हाँ, बीम आ जा, बीम आ जा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लंच करने, तो अभी लंच करने जा रहे हैं भाई, बाहर आ गए सारे लोग, इधर उधर आ रहे हैं, ये देख रहे हो आ रहे हैं। तो चलो लंच करके करने के बाद फिर वापस मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इंडिया इंडिया फाइट्स बैक, देखते रहिए जिंदगी का सफर ब्लॉग। बौछार अभी अभी प्ले हुआ, चलो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों की है बौछार, और मेरे साथ है चार पांच दोस्त और मेरे यार, देखिए। तो यहाँ से जा रही है एक कार, वो भी हो जाएगी आगे जाके बेकार। नहीं यार वो क्यों बेकार होगी। तो और कुछ, और तो जैसे कि आप देख सकते हैं सलमान मामू सामने वीडियो बना रहे हैं, इधर से पीछे आ रही हवाई अड्डा, ये बहुत जबरदस्त भाई गाड़ी आ गई। इसका नाम क्या है, बस ऐसा है इसका नाम, ये ओपन होती भाई, ठंडी में बैठने लायक नहीं होता है। फरारी की सवारी, फरारी की सवारी आ गई। ये क्या है, नाहरगढ़, यहाँ नाहरगढ़ का भाई, ये देखो अपना बोर्ड लगा हुआ है। ये हमारी स्क्वाड है और ये हमारी विक्रम है, इसमें हम नए बैठे। तो अभी गाड़ी आ रही है अपनी, इधर साइड से अपनी गाड़ी आ रही है। यू नो माई पब्लिक इज वेटिंग फॉर माई कार, एंड आ गई है सामने से माई कार। कार के अंदर बैठे हैं चार पांच मेरे यार, चार पांच नहीं टोटल आठ, ड्राइवर को लेके नौ, एक दस, दस यार। तो चलो अभी मिलते हैं, जैद मुल्ला से मिलाते हैं इनको, ये जिम लवर है। डायरेक्ट मिलते हैं भाई लंच पे, अभी लंच पे मिलते हैं, चलो बाय बाय। गाइस आपने वीडियो देखा भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होने के कारण मैं इसको सेकंड पार्ट में दे दिया हूँ। तो इसका सेकंड पार्ट में देखो भाई लाइटिंग के साथ, ये तो आप अभी जो देखा ये ऐसा था, इसके बाद जो लाइटिंग इसमें लगने के बाद कितना भाई बेहतरीन लग रहा था, कितना खतरनाक लग रहा था भाई लाइटिंग के बाद, आप सेकेंड पार्ट में देखना भाई, अब बहुत मस्त लग रहा था भाई। इसको डेकोरेशन करके बहुत ज़बरदस्त लग रहा था भाई। मैं गया था, मेरे दोस्त लोग गए थे, मतलब मैं गया था, सलमान था और कई लोग थे, करीब हम लोग के टीम में आठ लोग थे। तो वहाँ पे काम था, हम लोग का काम था, इसलिए हम उस काम से गए थे भाई। काफ़ी अच्छी मतलब कि डेकोरेशन था वहाँ पे, इसलिए आप सेकेंड पार्ट में देखना, आपको भाई मालूम चलेगा भाई बहुत गजब का लग रहा था। तो चलो अभी के लिए बस यही था भाई, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अभी के लिए बस इतना था, आप इसकी सेकेंड पार्ट वाली वीडियो देखो, वो भी और बेहतरीन है। चलो अभी के लिए बाय बाय।